हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम आने वाला है और गर्मियों के मौसम में मच्छर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। तो आज हम आपको एक शानदार मॉस्किटो किलर बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से मच्छरों का राम नाम सत्य हो जाएगा और आप एकदम चैन की नींद सो पाओगे। तो चलिए फिर इस मॉस्किटो किलर को बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमने 2 इंची PVC पाइप से कुछ इस टाइप की 2 रिंग के जैसे कट कर ली हैं और इसके बाद हमने कुछ इस तरीके की 2 जाली को लिया है, एक छोटे होल वाली जाली और एक बड़े होल वाली जाली। इसे क्या करना है कि रोल करके इन रिंग को फंसा देना है। तो इसे रोल करने के लिए हम कुछ इस टाइप का एक पाइप लेंगे और इस पाइप की मदद से हम इसे कुछ इस तरीके से रोल कर लेंगे। और अब इस पाइप को हम कुछ इस तरीके से निकाल देंगे और फिर इसके दोनों साइड पर हम दोनों रिंग को कुछ इस तरीके से फंसा देंगे और फिर इसे फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। और इसी टाइप से हमें इस जाली को भी रोल कर लेना है। और अब गाइस, हमने 1.5 इंची PVC पाइप से रिंग के जैसे कट की हैं, इन्हें हम इस जाली के दोनों साइड पर फिक्स कर देंगे और फिर इनमें भी हम फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। और अब गाइस, हमें एक वायर लेना है और इस वायर को क्या करना है कि इस जाली से कनेक्ट कर देना है। और अब हमें एक और वायर लेना है और इस वायर को इस दूसरी वाली जाली से कनेक्ट कर देना है। तो हमने दोनों वायर को दोनों जाली से कनेक्ट कर लिया है और अब इस छोटी वाली जाली को क्या करना है कि इस बड़ी वाली जाली के अंदर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों जाली एक दूसरे में बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि हमारी दोनों जालियों के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो अब हम इसे ऐसे ही रख करके इसके चारों तरफ ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और इसी टाइप से हम इसे पलट करके इसके दूसरी साइड पर भी ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा देंगे। गाइस, हमने इसके दोनों साइड पर ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका दिया है और इसे कुछ इस तरीके का बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हमने 3 इंची PVC पाइप से एक 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट कर लिया है और इसे दोनों साइड से कवर करने के लिए हमने PVC शीट से 2 गोल पीस कट कर लिए हैं। इनमें से एक पीस को हम इसके अंदर साइड कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पीस को इसके दूसरी साइड पर फिक्स कर देंगे और फिर इसके भी चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इसे दोनों साइड से कवर कर दिया है और अब हमें क्या करना है कि जो ये जाली है इसे इसके एकदम सेंटर में रखना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और अब गाइस, हमने कुछ इस टाइप का एक मॉस्किटो किलर सर्किट लिया है। ये आपको 90 से 100 रुपये का मिल जाएगा और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जा करके भी इसे खरीद सकते हो। और इसके जो ये 2 वायर हैं ये बैटरी के लिए हैं और इसके जो ये वायर हैं इनसे हमें हाई वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। और इसके जो ये 2 वायर हैं ये लाइट के लिए हैं, इसे हम जैसे ही लाइट से कनेक्ट करेंगे तो इससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। और इसका जो ये स्विच है ये मेन स्विच है, इसकी मदद से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसे ऑन करने के बाद इसका जो ये स्विच है इसे हम जितनी देर दबा के रखते हैं उतनी देर ये चालू रहता है और इसे हम जैसे ही छोड़ते हैं तो ये वापस से ऑफ हो जाता है। तो इस स्विच की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके हम दोनों पिन को एक साथ सोल्डरिंग करके इसे डायरेक्ट कर देंगे। और अब गाइस, हमने 2 लिथियम आयन बैटरियों को लिया है, एक बैटरी 3.7 वोल्ट और 2.2 एम्पियर की है। तो हम दोनों बैटरियों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। इससे क्या होगा कि इसका वोल्टेज तो सेम ही रहेगा लेकिन इसका एम्पियर बढ़ जाएगा। तो हमारी बैटरी 4.4 एम्पियर की बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हमारे सर्किट का जो रेड वाला वायर है इसे हम बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे और जो ब्लू वाला वायर है इसे हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने दोनों वायर को कर दिया है और अब हम आपको इसका थोड़ा सा ट्रायल दिखा दें। तो इसके स्विच को हम करते हैं ऑन और अब इन दोनों वायर को हम जैसे ही पास ले जाएंगे तो आप देख सकते हो कि इनसे एक हाई वोल्टेज का स्पार्क निकलता है। तो इससे हमारे मच्छरों को करंट लगेगा और वो वहीं पर मर जाएंगे। और अब हमने कुछ इस टाइप का एक फीमेल AC सॉकेट लिया है, इसे हमने पुरानी खराब टॉर्च के अंदर से निकाला है
और इसकी दोनों पिनों से हमें सर्किट के लाइट वाले दोनों वायर को सोल्डरिंग कर देना है। और अब गाइस हमने एक और 3 इंची पीवीसी पाइप से 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट कर लिया है और इसे भी दोनों साइड से कवर करने के लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप के 2 गोल पीस कट कर लिए हैं और इनमें से एक पीस को हम इसके एक साइड पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और अब हमें लेना है 2 ब्लू कलर की LED और इन दोनों LED को इसके एकदम मिडल में फिक्स करना है। तो इन्हें फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमें 2 होल कर लेना है और गाइस जो ये सर्किट बोर्ड है इसे हम इसके अंदर साइड कुछ इस तरीके से फिक्स करेंगे। तो इसका जो फीमेल सॉकेट है इसके लिए यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है और इसका जो LED है ये चार्जिंग के लिए, जब हम इसे चार्ज पर लगाएंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है या फिर नहीं, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर एक होल कर लेना है। तो चलो हम फटाफट से इन सभी के लिए इसमें होल कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि हमने सभी के लिए इसमें होल कर लिए हैं और अब हमें क्या करना है कि LED को इन होल में कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और फिर इनमें फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और अब गाइस इन दोनों LED को हमें पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो इसकी जो बड़ी वाली लेग है ये पॉजिटिव लेग है, तो दोनों पॉजिटिव लेग को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे और दोनों नेगेटिव लेग को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। और अब हम लेंगे 2 वायर, जो रेड वाला वायर है इसे हम LED की पॉजिटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे और जो ब्लैक वाला वायर है इसे हम LED की नेगेटिव वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और अब इसके बाद हम LED की दोनों लेग में ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा करके इन्हें कवर कर देंगे ताकि ये किसी चीज से टच ना हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब गाइस हमें इस सर्किट बोर्ड को इसके अंदर फिक्स करना है, तो पहले हम इसके फीमेल सॉकेट को इसमें कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें फेविक्विक लगा करके इसे अच्छी तरीके से चिपका देंगे। और अब हमें इस सर्किट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना है, तो इसे हम फटाफट से फिक्स कर लेते हैं। तो हमने सर्किट को एकदम अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है और इसका जो इंडिकेट वाले LED है इसे भी हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है और अब इसके दोनों साइड पर हम फेविक्विक लगा करके इसे हम चिपका देंगे। और अब गाइस हमें क्या करना है कि जो LED की वायर है इसका जो ब्लैक वाला वायर है इसे हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से सोल्डरिंग कर देंगे और गाइस इसका जो रेड वाला वायर है इसे क्या करना है कि जिस स्विच की हमने दोनों लेग को एक साथ कनेक्ट किया था उसकी लेग से इसे सोल्डरिंग कर देना है। और अब इस बैटरी को यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और फिर इसमें ग्लू गन की मदद से थोड़ा सा ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और अब गाइस हमें क्या करना है कि इसे इस जाली के ऊपर कुछ इस तरीके से फिक्स करना है, तो इसे फिक्स करने से पहले जो जाली के दोनों वायर हैं इन्हें इस होल की मदद से कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ निकाल लेना है और फिर इसे कुछ इस तरीके से फिक्स करके इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। तो चलो गाइस अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारे सर्किट के जो हाई वोल्टेज आउटपुट वाले वायर हैं इन दोनों वायर को जाली के दोनों वायर से कनेक्ट करना है, तो हम रेड से रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे और ब्लू से ब्लू वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है और अब इन दोनों में हमें टेपिंग कर देना है ताकि ये किसी चीज से टच ना हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमने दोनों वायर में टेपिंग कर दी है और अब इसे ऊपर साइड से कवर करने के लिए हमने पहले ही एक पीवीसी शीट का गोल पीस कट कर लिया था और इसके यहाँ पर हमने इस स्विच के लिए कटिंग कर ली है और अब हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और अब गाइस हमने 1/2 इंच UPVC पाइप से एक छोटा सा टुकड़ा कट किया है और इसके एक सिरे को हमने PVC शीट की मदद से पैक कर दिया है और अब इसे क्या करना है कि इसके ऊपर साइड एकदम मिडल में रखना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके इसे भी अच्छी तरीके से चिपका देना है। और इसके बाद हमने कुछ इस टाइप की एक चैन ली है, इसे हमने चाबी के गुच्छे से निकाला है और इसे इसके ऊपर साइड यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स करना है, तो इसे फिक्स करने के लिए हम इसके दोनों साइड पर 2 होल कर देंगे और फिर इसे हम फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो कि हमने इसे एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है और अब इसे आप कुछ इस तरीके से कहीं पर भी टांग सकते हो। और इसके बाद हमने PVC शीट से कुछ इस टाइप के 5 पीस कट किए हैं। आप देख सकते हो कि हमने इसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे होल किए हैं और इसके मिडल में हमने एक बड़ा सा होल किया है। इसके 2 पीस को इसके ऊपर साइड पर फिक्स करना है और जो बाकी के 3 पीस बचे हैं इन्हें इसके नीचे साइड पर फिक्स करना है। तो चलो अब हम इन्हें फटाफट से फिक्स कर लेते हैं। तो हमने सभी पीसेस को थोड़ा थोड़ा गैप दे करके फिक्स कर दिया है और इनमें हमने ग्लू गन की मदद से थोड़ा सा ग्लू लगा करके चिपका दिया है ताकि सभी पीसेस अपनी जगह रुके रहें। और इसके बाद हमने सलिए से कुछ इस टाइप के 4 टुकड़े कट किए हैं और इन 4 टुकड़ों को क्या करना है कि इसके 4 कोनों पर फिक्स कर देना है।
गाइस हमने चारों सलिए के टुकड़ों को इसके चारों कोनों पर फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है। और अब गाइस हमें इसमें कलर करना है, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें हमें येलो कलर करना है और इसके अंदर वाले हिस्से में हमें ब्लैक कलर करना है। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर वाले हिस्से को निकालना होगा। तो इसमें हमने जो ग्लू गन की मदद से ग्लू लगाया था इसे हम निकाल देंगे। इसमें हमने इसीलिए फेविक्विक नहीं लगाया था क्योंकि अगर हम इसमें फेविक्विक लगा देते तो ये पूरी तरीके से जाम हो जाता और ये निकलता नहीं। गाइस आप देख सकते हो कि हमने दोनों हिस्सों को निकाल करके अलग कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं। तो गाइस हमने दोनों में एकदम अच्छे तरीके से कलर कर लिया है और अब हमने इसे जैसे निकाला था वैसे ही हम इसे फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। गाइस हमारी मॉस्किटो किलर मशीन बनकर तैयार हो चुकी है और आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो टेस्टिंग देखने से पहले हम आपको इसे चार्ज करके दिखा दें। तो इसके लिए हमें लेना है कुछ इस टाइप की एक केबल और इसके प्लग को हम लगा देंगे लाइट वाले बोर्ड में और इसका जो मेल सॉकेट है इसे हम अपने मॉस्किटो किलर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हो कि इसकी रेड LED जलने लगी है यानी कि इसकी बैटरी चार्ज होने लगी है। तो अभी हम इसे निकाल देंगे क्योंकि इसकी बैटरी एकदम फुल चार्ज है। और अब हम इसे करते हैं ऑन। आप देख सकते हो कि हमारा मॉस्किटो किलर चालू हो चुका है और इसकी ब्लू LED भी जलने लगी है। गाइस ब्लू लाइट से क्या होता है कि मच्छर ब्लू लाइट की तरफ आते हैं और जैसे ही मच्छर इस जाली के पास आएंगे उन्हें एक जोर का झटका लगेगा और मच्छर वहीं पर मर जाएंगे। तो बस आपको इसे ऑन करके रख देना है और कमरे की सभी लाइटों को ऑफ कर देना है। तो पहले मैं कमरे की सभी लाइटों को ऑफ कर देता हूं। तो मैंने कमरे की सभी लाइटों को ऑफ कर दिया है और अब मच्छर ब्लू लाइट की वजह से भाग करके इसके पास आएंगे और जैसे ही जाली से टच होंगे उनका राम नाम सत्य हो जाएगा और आप एकदम चैन की नींद सो पाओगे। गाइस अभी फरवरी का महीना चल रहा और आपको तो पता ही होगा कि फरवरी के महीने में हल्की हल्की ठंड रहती है, तो इस वजह से अभी एक भी मच्छर नहीं है, नहीं तो हम आपको मच्छर भी मार के दिखा देते। लेकिन इस महीने के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तब हमें इस मॉस्किटो किलर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट रिचार्जेबल है, तो इसे आप अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हो और कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। और ये देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये मॉस्किटो किलर है। तो गाइस अगर आपको हमारा ये मॉस्किटो किलर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।